प्रदेश के प्रधानमंत्री लगातार उद्योग संचालकों से मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह को न रोकने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं उद्योग संचालक आदेशों की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे। यही कारण है कि कर्मचारी अपनी तनख्वाह लेने के लिए फैक्ट्री के गेट पर नारेबाजी करने पर मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगाने के दौरान केंद्र सरकार ने सभी संस्थाओं और उद्योगों से काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह न रोकने की अपील की थी, जिसका मुख्य कारण था कि मजदूर तबके के लोग तनख्वाह मिलने से अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन काशीपुर की बाजपुर रोड स्थित मल्टीबॉल फैक्ट्री अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। यही कारण है कि फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा 3 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा रही है, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। वहीं सैलरी की मांग करने आ रहे कर्मचारियों की फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही, जिसको लेकर कर्मचारियों द्वारा फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि तनख्वाह की मांग को लेकर कई बार प्रबंधन से मांग की गई है, जिन्होंने उन्हें मात्र आश्वासन ही दिया। वहीं काशीपुर एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि कर्मचारियों को सैलरी न मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया था। यदि प्रबंधन द्वारा जल्द कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाएगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जितने भी अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी पहले बहुत फोन उठा नहीं रहे। हमने सीएमडी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद हम आईटीआई थाने गए, उन्होंने बात की। 5 तारीख के लिए बोला था कि 5 तारीख तक हम पेमेंट करवा देंगे। 5 तारीख को गए, कल हम कोतवाली को पहुंचे थे थाना आईटीआई में, वहां पे कुलदीप अधिकारी से बात हुई। उन्होंने बात की, बात करने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये बैक कोर्ट के अंडर में है। हमें पहले पिछले मई 2019 से ये कोर्ट के अंडर में चल रही है। हमें किसी को नहीं पता था कि मई 2019 से कोर्ट के अंडर में चल रही है ये। हमें ना किसी बात की सूचना थी, ना यहाँ पर कोई बैंक का अधिकारी आके यहाँ पर बैठा था कि हाँ भाई बैंक ने इसको टेक ओवर किया है, कोर्ट ने टेक ओवर कर रखा है। अब ये लगा लीजिए कि जनवरी फरवरी मार्च तक का हमारा अमाउंट यहाँ पर रुका पड़ा, सैलरी अभी तक मिली नहीं है। वीपी से लेके नीचे तक के अधिकारी की किसी का पेमेंट नहीं मिला। यहाँ पर सब वर्कर आपके सामने है, वर्कर के आप खुद पता कर लीजिए इनसे भी कि कितना कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला, पता नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कौन है सुनने वाला हमारा? यहाँ पर कोई सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है। हम लेबर कोर्ट में फोन कर रहे हैं, लेबर कोर्ट वाला अधिकारी फोन नहीं उठा रहा आगे से। आज हमने लास्ट में आके सीएम अधिकारी को फोन किया है, सीएम हेल्पलाइन में फोन करने के बाद तब यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। अभी पुलिस वालों का फोन आया था। जनवरी से लेकर अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। पहले हमें हम आए थे यहाँ पे 28 तारीख को, तो हमसे बोल रहे कि आपको 5 तारीख को पेमेंट दे दी जाएगी। हम 5 तारीख में आए तो बोल रहे हैं अभी अब तो क्या कल दे दी जाएगी। अब हमारे आज हम आए हैं तो यहाँ हमारे पास ना कोई अधिकार आ जा रही है हमसे बात करने के लिए, हम फोन कर रहे हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो हम यहीं पे हैं कल से लेकर, हम यहाँ भूखे प्यासे रह रहे हैं। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हमें खिलाएगा खाना? हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है, कुछ नहीं है सर। घर पर वही जो कुछ आ जाता है, हेल्प वाले हैं जो लोग वो दे रहे हैं, उनसे खाना खर्चा चल रहा है अपना बस। मोदी साहब की तरफ से कुछ राशन मिल जाता है, उसी से खा रहे हैं। बाकी और तो कुछ हमारे पास पैसा है नहीं जो कि हम कहीं जाएँ।